हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी की सभी। तो वेलकम है अपने फेरो सीरीज के एक और नए पार्ट में। तो गाइस आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, क्योंकि जो इसमें विलन है उसका पुराना फॉर्म वापस आने वाला है और बहुत ही मजा आएगा गाइस। तो लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को। और हाँ गाइस, अभी तक आपने डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे हम शूट वगैरह करते हैं और कस्टम वगैरह भी होता है, गिव अवे वगैरह भी होते हैं, तो वहाँ पे भी जाके ज्वाइन कर लो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और गाइस हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है। तो ज्यादा देर नहीं करते, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अरे जोकर, वो देखो वो क्या चीज है। अरे अब ये क्या चीज है, आखिर ये चीज है क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। जोकर, मुझे लगता है कि यही ऊपर जाने का रास्ता है। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, ये जो रेत है ये इस बड़ी चीज के ऊपर ले जा रही है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ऊपर कोई ना कोई तो रहता है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। एंजल, हम दोनों को भी ऊपर जाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। ऊपर जाने के लिए परमिशन चाहिए होता है और वो परमिशन तुम्हारे पास नहीं है। अब ये कौन बोला, तुम लोगों को तो हमारे बॉस ने परमिशन दी ही नहीं है, तो फिर तुम कैसे ऊपर जा सकते हो। मैं अपने ही मैप में किसी से परमिशन नहीं लेता कुछ करने के लिए। तुम्हारा मैप ये था, पर अब हमारी महारानी का है, और उनके खिलाफ जाओगे तो तुम्हारी पेटी बन जाएगी। ये लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे, अच्छा हुआ मुंह बंद कर दिया इनका। अरे ये चीज तो आगे चली गई। एंजल, हम दोनों को ऊपर जाना ही पड़ेगा, वहाँ पे कोई तो है जिसके लिए ये लोग हमें रोक रहे थे, पर हम उस चीज का पता लगाएंगे। हाँ जोकर, तुमने ठीक कहा, हमें ऊपर जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। महारानी, आपके पुराने फॉर्म के लिए जो चीज कम पड़ रही थी वो मैं लेके आ चुका हूँ, अब आप फिर से वाले ही फॉर्म में आ सकती हैं। क्या कहा, तुम ले आए, मुझे इसी पल का इंतजार था, लाओ दो मुझे। इतने समय के बाद आखिर कमबैक करने का टाइम आ ही गया है। फाइनली महारानी इरिडेसेंस अपने पुराने फॉर्म में आ चुकी है। पहले जो आपके हाथों से मैप चले गए थे, अब उन्हें आप वापस ले सकती हैं। सही कहा तुमने, जो मैप्स मुझसे छिन गए थे अब वो वापस लेने का समय आ गया है, और अब ये फिर से रोकने के लिए ना तो फेरो आएगा और ना कोई और। अब मैं आसानी से इन सभी मैप्स पर कब्जा कर सकती हूँ। अरे तुम क्या खबर है महारानी, एक प्रॉब्लम आ गई है। फेरो के कुछ दोस्त ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे और हमारे लोगों ने उनको रोकने की कोशिश करी, पर उनकी पेटी बना दी गई। हमें उन्हें रोकना पड़ेगा, वरना वो ऊपर आके फेरो को आजाद कर लेंगे। इस लड़की ने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर तुम्हें इसकी बात समझ कैसे आई। ये कुछ नहीं बोलती, बस मेरे को इशारों में समझा देती है पूरी बात। अच्छा ठीक है, अब वक्त आ गया है तुम्हारी पुरानी पावर्स देने का, तो रेडी हो जाओ। अब आ गए तुम अपने पुराने फॉर्म में, जाओ लेकर आओ सबको पकड़ के इधर, मैं भी तो देखूं आखिर कौन है फेरो के दोस्त जिन्होंने हमारे लोगों की पेटियां बना दी। ठीक है जैसा आप कहें। इतना टाइम हो गया, वो चीज अभी तक यहाँ पे आई नहीं। पर जोकर, उस चीज को आने में टाइम है, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हाँ थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, क्या पता वो आ जाए, अगर नहीं आता तो फिर दूसरी जगह पे चलेंगे। तो तुम ही हो वो लोग जो इतनी देर से ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। उस
स्कूल में हमारे लोगों को मार के तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, अब उसका बदला चुकाओगे तुम लोग। मेरे ही मैप में आके मुझे ही धमकी दे रहा है, जो कर सकता कर ले। मैं तो बस इतना ही करूँगा कि तुम लोगों को पकड़ के महारानी के सामने ले जाऊँ, क्योंकि उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसे ही फाइट करते रहेंगे तो ऊपर कभी नहीं पहुंच पाएंगे हम। एक काम करता हूँ, इनके साथ चला ही जाता हूँ। ऊपर जाके ये तो पता चलेगा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और इनकी महारानी कौन है। एंजल बात सुनो मेरी। हाँ जोकर। एंजल, इनकी महारानी के बारे में पता करने के लिए हमें इनके साथ जाना ही होगा, और कोई रास्ता भी नहीं है, तो इसलिए फाइट करना बंद करो और इनके साथ चलते हैं। हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो। हम लोग हार मानते हैं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ये करी ना दिमाग वाली बात, तो चलो अब। बॉस बॉस, एक प्रॉब्लम हो गई है। हाँ क्या प्रॉब्लम हो गई? एंजल और जोकर भाई को कुछ लोग पकड़ के वो जो बड़ी सी चीज है ना उसके ऊपर लेके गए हैं। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा कि वो जोकर और एंजल ही थे? हाँ बॉस, वो वही थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वो दोनों तो इतने पावरफुल हैं, इतने आराम से किसी से कैसे हार सकते हैं? पता नहीं बॉस, पर वो लोग जो भी थे बहुत पावरफुल थे, और वो किसी महारानी के बारे में बात कर रहे थे, उन्हीं के पास उन दोनों को लेके गए हैं। एवलांच, हमें उन्हें कैसे भी बचाना पड़ेगा जल्द से जल्द। पोसाइडन थोड़ा सोचो कि जोकर और एंजल इतने पावरफुल हैं, उनको इतनी आसानी से कोई हरा नहीं सकता, तो फिर इतनी आसानी से वो हार के कैसे ऊपर जा सकते हैं? मैं समझा नहीं तुम कहना क्या चाहते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एंजल और जोकर जानबूझ के ऊपर गए हैं ताकि उनको पता लगे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। हम भी ऊपर जाएंगे, टेंशन मत लो, पर कुछ प्लानिंग कर लेते हैं फिर। ठीक है एवलांच, जैसा तुम कहो। महारानी, यही वो दोनों हैं जिन्होंने हमारे लोगों की पीटियां बनाई थी स्कूल के पास। कौन ये लोग? ये तो बच्चे से लग रहे हैं। इन लोगों ने हमारे लोगों की पेटियां बना दी, यकीन नहीं हो रहा। आखिर तुम सब हो कौन? अचानक से ये मेरे मैप में कहां से आ गए? मुझे लगा ही था कि ये पूछोगे। चलो अब बता ही देती हूँ फिर। तुम लोग जिन भी मैप्स में रह रहे हो उन सभी मैप्स की रानी मैं कभी हुआ किया करती थी, और मेरे पास उस वक्त एक ऐसी सेना हुआ किया करती थी जिनके आगे कोई भी नहीं टिक पाता था। ना रेंगल की सेना, ना सैनहॉक की, सब कुछ बढ़िया चल रहा था मेरा मार में, पर उस कमीने फेरो की वजह से मेरे हाथ से सब कुछ छिन गया। और उस फेरो ने मेरी आधी पावर्स एक मैजिकल स्टिक में कैद करके रख दी थी, और आधी पावर्स एक मैजिकल बॉक्स में, जिसको खोलना नामुमकिन था, पर मेरे प्यारे सैनिक ने मुझे वहां से आजाद करवा दिया, और फिर से मुझे मेरा वो पुराना रूप दिलवाया ताकि मैं इन सभी मैप्स पर कब्जा कर सकूं। अब तुम लोग तो अच्छे से समझ ही गए होगे कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। ओ तो तुम यहाँ की कभी क्वीन हुआ करती थी, पर मैं तुम्हें बता दूँ, अब इन सब मैपों में किसी का राज नहीं चलता, बस हम लोग यहाँ की सेफ्टी बनाए रखते हैं, कुछ लोग जो कि काफी पावरफुल भी हैं, और उनको हराना इम्पॉसिबल है। वो भी हो जाएगा पॉसिबल। जाओ ले जाओ इन्हें और डाल दो जेल में। कुछ दिनों बाद मैं इन सब की पेटी बना दूंगी, पर अभी के लिए मुझे इन सारे मैप्स पर कब्जा करना है। तो भाई लोग सब रेडी हो जाओ ऊपर जाने के लिए, वहाँ पे क्या पता गोल्ड की काफी सारी चीजें हो जिससे हम अमीर बन जाएं। हाँ आपने सही कहा, हम ऊपर जाके ही रहेंगे। तुम सभी को अपनी पेटी बनवाने की काफी जल्दी है क्या? अरे अब तुम लोग कौन हो,
अच्छा तुम लोगों को भी ऊपर जाना है क्या? चलो आओ लाइन में लगो, पहले हम लोग जाएंगे आगे। हम लोग इस चीज की सेफ्टी बनाए रखते हैं तुम जैसे लोगों को ऊपर जाने से रोकने के लिए। हम लोग तो ऊपर जाके ही रहेंगे, तुम हमें नहीं रोक सकते। अगर हमसे बच के तुम लोग ऊपर चले भी गए तो वहाँ पे तुम्हारी पहली पेटी बन जाएगी मॉन्स्टर्स के हाथों से। जो भी होगा देखा जाएगा, हम तो जाके ही रहेंगे। तुम लोग मेरी बात सुन नहीं रहे, अब लगता है तुम्हारी पेटी बनानी ही पड़ेगी। और इसने तो सच में मार दिया, भागो यहाँ से। सालो रुको, कहाँ भागते हो, अभी बताता हूँ तुम्हें। चलो पोसाइडन ने तो अपना काम कर ही दिया, अब आगे का मेरे को करना है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो जल्दी से कमेंट करके बता दो। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और जिन जिन लोगों ने इस वीडियो में हेल्प करी है उनके लिए भी कमेंट में कुछ अच्छी सी बातें लिख दो यार, वो भी बहुत मेहनत करते वीडियो बनवाने में। तो गाइस इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा, तब तक के लिए वेट करना, मैं चलता हूं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Just try to stop me and you're worth it, missing. I'm on my way to the top now, wishing. I ain't never gonna stop, too driven. I ain't never getting lost, got vision. I'ma make this shit hot, ignition. Yeah, don't give me facts, not fiction. Then you know I fucking listen, cause I'm on a fucking mission. Man, you got to be driven, cause this world is unforgiving. You're the only one that's winning, or the only one that's quitting. So get up and